नमस्कार, जम्मू जोश देखने वाले सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज डीसी ऑफिस किश्तवाड़ में एक वर्कशॉप रखा गया जिसमें मीडिया के कुछ सभी कर्मचारी जो है वो शामिल रहे। यहाँ पे ये वर्कशॉप जो था ये पूरी तरीके से ईवीएम और वीवीपैट के पे जो आधारित था, इसकी अवेयरनेस पे आधारित था। और कहा जाता है कि मीडिया जो है फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन है और मीडिया का इन चीज़ों में काफ़ी अहम रोल रहता है, चाहे वो सरकार की कुछ योजनाएँ हो या फिर बाकी कुछ चीज़ें हों। इसी सब पर मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद मीडिया के कुछ पर्सन, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि आखिर उनको किस लिए यहाँ पे बुलाया गया था और क्या बातचीत हुई यहाँ पे। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या बातचीत हुई थी जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको यहाँ पे बुलाया, तो किस तरीके से कॉपरेशन की बात हुई आपकी, क्या कितना सहयोग रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? बेसिकली अंदर जो आज प्रोग्राम इन्होंने रखा गया था, इसमें सभी मीडिया पर्सन को बुलाया था, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की मीडिया है, सीनियर इसमें मीडिया जो भी पर्सन है सबको बुलाया गया था। इसके अलावा इसमें एनजीओज मौजूद रहीं, उनके मेंबर जो भी हैं वो भी मौजूद रहे, सिविल सोसाइटी के मेंबर मौजूद रहे, आशा वर्कर्स, बाकी सरपंचेस वगैरह वो भी मौजूद रहे। तो इस प्रोग्राम को इसका बेसिक मकसद जो है यही था कि अवेयरनेस क्रिएट करना। अब अवेयरनेस किस चीज़ की है कि जो भी आज तक इलेक्शंस हुए हैं हम जानते हैं कि उसमें ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसमें कुछ मजीद तरजीह की गई है, इसमें ऐड की गई है एक नई मशीन, दैट इज़ वीवीपैट। तो इस वीवीपैट के मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई, मीडिया से यही एक्सपेक्टेशन रही कि ज़िला इंतजामिया की एक्सपेक्टेशन है और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है मीडिया से कि इस ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट किया जाए, इसको फॉरवर्ड किया जाए। तो हमारी तरफ से भी ये कोशिश आगे रहेगी क्योंकि ज़िला इंतजामिया जो है कोशिश कर रही है, मुख्तलिफ आने वाले इंतखाबात आने वाले हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो बेहतर तरीके से अंजाम देने चाहिए। तो इसमें हमारी भी कोशिश रही कि हम भी कोशिश करते और हम अपने ज़रिए जो है मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से पूरे वोटर्स को, पूरी ज़िला इंतजामिया को और उनको भी आश्वासन देते हैं कि हमारा भी पूरा इसमें कॉपरेशन रहेगा। और आवाम जो है, जो कॉमन मासेज हैं उनको भी हम कहते हैं कि जो भी इन मशीन्स को लाया जा रहा है, लाइक उसमें ईवीएम मशीन्स की बात की जाए या वीवीपैट जो है उस नई मशीन्स को ऐड किया गया है, एक बॉक्स को ऐड किया गया है, सो दैट इज़ कम्प्लीटली उसमें कम्प्लीट ट्रांसपेरेंसी है, आगे भी इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें, उसमें ऐसा ना सोचें कि इसमें कोई ऐसा कोई गलत नहीं है बल्कि पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो इसी रिगार्डिंग हमें भी आज बुलाया गया और हमसे एक्सपेक्टेशंस की गई हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करें, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है एंड हम भी इसमें जो है यकीन दहानी कराते हैं कि हमारी तरफ से भी पूरा कॉपरेशन रहेगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि किश्तवाड़ में काफ़ी दूर दूर इलाके हैं, चाहे मैं दक्षिण मड़वा की बात करूं, पाडर की बात करूं, तो क्या आपने कितना आश्वासन दिया यहां से एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम जो है पूरी तरीके से जो है हम दूर दूर तक ये मैसेज फैलाएंगे? देखिए भाई साहब, आपको बखूबी जानते हैं यहां पर जो हमारा जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जैसे आपने दक्षिण मड़वा का नाम लिया है, इन्हीं इलाकों में जो हैं वो लोग जो हैं वो पॉलिटिकल के बहकावे में आते हैं। तो हम अपने मीडिया पर्सन की तरफ से स्पेशली ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज तक जो भी मशीनें यहाँ पे आती थी, लेकिन आज जो ये वीवीपैट की मशीन जो आई है इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोगों को मीडिया की तरफ से यही पैगाम देना चाहते हैं कि वो दिल खोलकर अपना वोट जो है वो दान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मीडिया के पर्सन थे जिनका काम, मीडिया अक्सर जो है इनका काम रहता है कि सभी सरकार की जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं या फिर बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको हर आम लोगों तक पहुंचाए, उनको हर चीज़ की जानकारी मिले।